श्रीमान अमित शाह जी, केंद्र सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का पावन सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। आप सभी मां हिंदी के पुत्र और पुत्रियों से बड़ा विनम्र निवेदन, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, हम भारत माता को प्रणाम करेंगे राष्ट्र गान के माध्यम से। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की, भारत माता की। गीत वंदे मातरम, जनगण मन का गान, अपने हिंदुस्तान की दोनों ही पहचान। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय विद्यालय इच्छानाथ सूरत के ये बच्चे प्राचार्य यशदीप रोहिला जी और संगीत शिक्षक देवेश गरडे जी और पूजा श्रीवास्तव जी के साथ आयुष शिवम राही और उत्साह आगे बढ़ते हैं। सभामां उपस्थित बद्दाने महाराज जय श्री कृष्ण। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। जहां धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित करने की परंपरा है, तो मैं मंच पर आसीन सभी सम्माननीय जनों से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया पवित्र दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुभारंभ करने की कृपा करें। साथ ही सूर्यपुर संस्कृत महाविद्यालय के छात्रों से अनुरोध कि वे मंत्रोच्चारण के लिए तैयार रहें। हरि ओम मा अग्निर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्योज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, अग्निर्वर्चोर्ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चोर्ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत। हिंदी में निहित हमारे संस्कार। सर्वप्रथम हिंदी में आप सभी को नमस्कार। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस समारोह 2022 एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में आयोजित इस शुभ अवसर पर राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की ओर से मैं दीक्षा कोहली, भारत की सिल्क और डायमंड सिटी सूरत में आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं।
चरण कमल सरोजों में मेरा वंदन है, चरण कमल सरोजों में मेरा वंदन है, पधारे सभी अतिथियों को मेरा भावपूर्ण अभिनंदन है, भावपूर्ण अभिनंदन है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं हमारे बीच मौजूद अतिथियों के स्वागत के साथ। मित्रों, ये भारतीय संस्कृति की परंपरा है और ये मंच का अनुशासन है। पवित्र दीप प्रज्वलित कर हमने आज के इस महापर्व का सम्माननीय अतिथि जनों के पवित्र कर कमलों से शुभारंभ किया। मुख्य कार्यक्रम अब शुरू होता है, लेकिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम भारत माता के उन अमर शहीदों को नमन करेंगे जिनके बलिदानों से ये देश आजाद हुआ, और हम फक्र से कहते हैं कि हम आजाद देश के आजाद निवासी हैं। मेरा भारत अमृत महोत्सव भी मना रहा है आजादी का। आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके नसीब में ये मुकाम आता है, और बड़ा खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। कि चुका गए जो मातृभूमि ऋण दे दे कर बलिदान, मिटे ना अब तक इस धरा से जिनके रक्त निशान, आजादी की खातिर छेड़ा जिन्होंने नित नूतन अभियान, सबसे पहले मित्रों कर लो उन अमर शहीदों को प्रणाम, उन अमर शहीदों को प्रणाम। हम कार्यक्रम के शुरू में बात कर रहे थे कि ये भूमि है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, तो बिना राष्ट्रपिता के चरणों में नमन किए हम कार्यक्रम में आगे नहीं बढ़ सकते। बापू की इस पावन कर्म भूमि जन्म भूमि से राष्ट्र माता को सलाम, आवाज है जो मेरे वतन की उस राष्ट्रभाषा को सलाम। हजारों रीत पूजा पाठ धर्मों के तमाम, जो एकता का पाठ पढ़ाती उस राजभाषा को सलाम, उस राष्ट्रभाषा को सलाम। आइए आगे बढ़ते हैं। सम्माननीय अतिथि जनों के प्रति आप सभी की ओर से हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं पुष्प और पुस्तक के माध्यम से। हम निवेदन करेंगे हमारी राजभाषा गृह मंत्रालय भारत सरकार की संयुक्त सचिव डॉक्टर मीनाक्षी जौली जी, कृपया आप आए और हम सभी की ओर से आज के कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि श्रद्धेय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह जी को पुष्प और पुस्तक। आपकी करतल ध्वनि के साथ बड़ा सौभाग्य का क्षण है, हमारे भारत के जो गृह मंत्री होते हैं वो हमारी राजभाषा के अग्रज होते हैं, हमारी प्रेरणा स्रोत होते हैं, और वो आज के इस कार्यक्रम में उनका हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मंच पर विराजमान है इस कर्म भूमि, इस साधना स्थली, इस तपह स्थली, इस मर्म भूमि, बापू की इस भूमि के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल जी। हम निवेदन करेंगे निदेशक राजभाषा श्री बी एल मीना जी, हम सभी की ओर से श्रीमान भूपेंद्र भाई जी का स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन। हमारे मध्य माननीय संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष श्रीमान भरतहरि मेहता जी, आपका हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है। निवेदन करेंगे श्री राकेश कुमार निदेशक राजभाषा, कृपया। मंच पर विराजमान है जिनके प्रयासों से ये अधिवेशन हो रहा है माननीय गृह राज्य मंत्री श्रीमान अजय कुमार मिश्र जी। निवेदन करेंगे श्री केपी शर्मा जी उपनिदेशक राजभाषा, कृपया आप आएं और मिश्र जी को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत और अभिवादन। निवेदन सुश्री सुष्मिता भट्टाचार्य जी उपनिदेशक, मंच पर विराजमान श्रीमान माननीय गृह राज्य मंत्री निश्चित प्रामाणिक जी को हम सभी की ओर से उनका स्वागत और उनका अभिवादन। मंच पर विराजमान है माननीय रेल राज्य मंत्री सुश्री दर्शना जरदोश जी, राजभाषा भारती के उप संपादक डॉक्टर धनेश द्विवेदी जी, आपसे निवेदन है हम सभी की ओर से दर्शना जी का स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन। मंच पर विराजमान है डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, माननीय विदेश एवं शिक्षा राज्य मंत्री, निवेदन कर रहा हूं अनुसंधान अधिकारी श्री संतोष कुमार
कृपया हम सभी की ओर से डॉक्टर राजकुमार का स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन। मित्रों, आपकी तालियों के बीच स्वागत की ये परंपरा आगे बढ़ रही है। मंच पर विराजमान है गुजरात सरकार के माननीय गृह मंत्री श्रीमान हर्ष रमेश संधवी जी, निवेदन करूंगा अभिलाषा मिश्रा जी उपनिदेशक, कृपया रमेश जी का स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन। हमारे परिवार राजभाषा गृह मंत्रालय भारत सरकार की सचिव सुश्री अंशुली आर्या जी मंच पर विराजमान है, हम उनका भी स्वागत और अभिनंदन करेंगे। निवेदन कर रहा हूँ श्री राजेश श्रीवास्तव जी उपनिदेशक राजभाषा, कृपया सचिव महोदया का स्वागत और अभिवादन। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। अब मैं अनुरोध करूंगी राजभाषा विभाग की सचिव श्रीमती अंशुली आर्य जी से कि वे हमारे विशिष्ट अतिथियों के आगमन पर स्वागत संदेश एवं आज के इस कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें। श्रीमती अंशुली आर्य जी। परम आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, गुजरात प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह राज्य मंत्री जी श्री अजय कुमार मिश्रा जी, माननीय निशित प्रमाणिक जी, माननीय रेल राज्य मंत्री सुश्री दर्शना जारदोस जी, माननीय विदेश एवं शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार सिंह जी, डायस पर उपस्थित राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष माननीय श्री भर्तरी मेहताब जी, गुजरात सरकार के अन्य सभी माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायक महोदय, भारत सरकार के सचिवगण, विभिन्न बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से आए मुख्य कार्यपालक अधिकारीगण, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, राजभाषा विभाग की संयुक्त सचिव डॉक्टर मीनाक्षी जौली जी, आज के इस विहंगम आयोजन में आए देश भर से हिंदी के विद्वजन, भारत सरकार के अधिकारीगण, मीडिया के बंधु, सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव देवियों और सज्जनों, हिंदी दिवस समारोह 2022 तथा द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन सूरत के आयोजन के शुभ अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं और सादर अभिवादन करती हूं। मैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का विशेष अभिनंदन करती हूं कि अपने समस्त कार्यक्रमों से के बावजूद उन्होंने समारोह के लिए समय निकाला और हमारा उत्साहवर्धन किया है। महोदय, वर्ष 2019 के दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हिंदी दिवस में आपने कहा था कि इसका आयोजन सभागारों में ना कर जनता के बीच होना चाहिए। महोदय, आपकी इसी प्रेरणा से आज यह विशाल आयोजन सूरत की पावन भूमि पर किया जा रहा है, जहां से वर्ष 1880 में गुजरात के कवि और विद्वान नर्मदा शंकर लाल शंकर दवे जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार दिया था। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में महोदय आपकी प्रेरणा से इतनी अधिक संख्या में हिंदी के अधिकारी और हिंदी प्रेमी यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, मैं आपका पुनः हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर महोदय की प्रेरणानुसार इस मंच से पूर्णतया डिजिटल शब्दकोश हिंदी शब्द सिंधु का लोकार्पण महोदय के कर कमलों से किया जाएगा। यह एक दूरगामी सोच है और इसमें हम एक समावेशी शब्दकोश का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें सारी भारतीय भाषाओं के शब्द
तथा जितनी भी हमारी डोमेन है, विधाई है, बैंक है, बैंकिंग सिस्टम है, सभी के शब्द इसमें डाले जाएंगे और आज इसका प्रथम संस्करण होगा। यह कार्य महोदय की प्रेरणा अनुसार हम लोग करते रहेंगे। इस कार्य में शिक्षा मंत्रालय के हमारे मंत्री जी भी उपस्थित हैं, उनका भी धन्यवाद और स्वागत है कि उनके दिशा निर्देश में केंद्रीय हिंदी निदेशालय और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने उल्लेखनीय और सराहनीय सहयोग किया है। आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। राजभाषा विभाग के लिए हर्ष और उत्साह का विषय है कि गुजरात प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का विशेष सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार आज के आयोजन में हमारे राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष भर्तरी मेहताब और अन्य हमारे सम्मानित मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, आप सभी का हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है और मैं आप सबका राजभाषा विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। राजभाषा विभाग के सभी कार्यकलापों के लिए माननीय श्री अजय कुमार मिश्रा जी और माननीय श्री निशित प्रमाणिक जी प्रभारी राज्य मंत्री हैं। महोदय, यह राजभाषा विभाग के लिए बड़ी गौरव की बात है कि वर्तमान में आप मंत्रीगण के मार्गदर्शन में राजभाषा विभाग की गतिविधियां संचालित हो रही हैं और मुझे विश्वास है कि आपके कुशल मार्गदर्शन में राजभाषा विभाग सफलता के नए आयाम हासिल करेगा। आज के इस समारोह में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे लिए विशेष प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे बीच में माननीय रेल राज्य मंत्री सुश्री दर्शना जारदोस जी भी उपस्थित हैं। इस समारोह में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपके अधीन IRCTC ही पूरे आयोजन में केटरिंग का कार्य कर रहा है और अभी तक उन्होंने अतिथि देवो भव के भावना से कार्य किया है। गुजरात सरकार के माननीय गृह मंत्री श्री हर्ष रमेश सांघवी जी का भी राजभाषा विभाग की तरफ से स्वागत और आभार है। मैं विशेष उल्लेख के साथ स्वागत करूंगी माननीय सदस्य संसदीय राजभाषा समिति के सभी माननीय सदस्यगण का, जिनका सानिध्य भी हमें आज प्राप्त हो रहा है। इस आयोजन में हम एक कंठस्थ टूल का भी लोकार्पण माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से होगा। कंठस्थ टूल हमारा अनुवाद का एक ऐसा टूल हो सकता है जो विश्व स्तर में सबसे ऊंचा रहे और जितने भी इस समय टूल चल रहे हैं उनको पीछे छोड़ दे, क्योंकि इसमें स्मृति आधारित के साथ साथ NMT यानी कि न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन भी अब जोड़ दिया गया है और यह पूरी तरह स्वदेशी CDAC के माध्यम से बनाया गया हमारा अनुवाद टूल है और मेरा अनुरोध होगा कि आप इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसरो, जो हमारी आन बान शान है, उनकी भी प्रदर्शनी में बहुत बड़ी भागीदारी है। उनका एक बड़ा यहाँ पे लगा हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वो अपनी गतिविधियां दिखाएंगे, आप उसको भी देखें। मैं कार्यक्रम में सभी पुरस्कार विजेताओं को भी बधाई देती हूँ, उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सबसे अनुरोध है कि उद्घाटन सत्र के बाद वाले सत्रों में भी अपनी सक्रिय भागीदारी कर इस आयोजन को सफल बनाएं। यहाँ कुछ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, उनको देखें। आज और कल के विभिन्न सत्रों में हिंदी के जो विद्वान अपने विचारों से हमें लाभान्वित करेंगे, उन सभी विद्वानों का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब विद्वानों की उपस्थिति हमारे लिए सम्मानजनक है और सबके लिए प्रेरणादायक है। इस प्रकार के आयोजनों से राजभाषा हिंदी को बल मिलता है और शनै शनै राजभाषा हिंदी पुष्पित पल्लवित होती रहती है। एक बार सभी मंचासीन विशिष्ट अतिथियों और आप सभी का हिंदी दिवस समारोह 2022 और द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन सूरत में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। बहुत धन्यवाद अंशुली आर्या जी, सचिव राजभाषा। और मित्रों, जैसे कि सचिव महोदया ने अपने वक्तव्य में इस बात को इंगित किया, हम पहले भी बात कर रहे थे हिंदी शब्द सिंधु। माननीय सचिव महोदया ने ये बात आपके समक्ष रखी।
कि जो पहला हमारा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हुआ था उसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय अमित शाह जी का हमें पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा था, वहां ये बात उठी थी, इस बीज का वपन किया गया कि क्यों ना भारतीय भाषा के शब्दों को एक साथ संयोजित कर एक ऐसा वट वृक्ष तैयार किया जाए जिसमें प्रत्येक भारतीय उसकी पावन और शीतल छांव में बैठकर भाषा ही मंथन कर सके। और राजभाषा विभाग, तकनीकी एवं जो शब्दावली आयोग, जो हमारी शब्दावली आयोग है, केंद्रीय हिंदी समिति है, इन सब ने मिलकर एक संयुक्त प्रयास किया और वो डिजिटल रूप में आज उन्हीं के स्वप्न को उन्हीं के कर कमलों से हम साकार करता होता हुआ देखेंगे। आप सभी की ओर से बड़ा विनम्र निवेदन, आत्मीय अनुरोध, सम्माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह जी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, इस वृद्ध शब्द कोश हिंदी शब्द सागर का लोकार्पण विमोचन सिंधु। आइए इस क्षण का हम भी साक्षात्कार करते हैं। हिंदी शब्द सिंधु, और विश्वास कीजिए ये आरंभ है, अंत नहीं। भारतीय भाषा के शब्दों की ये अविरल गति प्रवाह बनता रहेगा और आने वाले समय में और शब्दों का समायोजन इसमें होगा। विद्वत जन यहाँ पर बैठे, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इसके लिए भी हमने काम करना चाहिए। एक समय आ गया है कि इसको नए सिरे से देखा जाए। कुछ विद्वानों की कमेटी बने, अगर मेरा संपर्क करोगे आप तो मैं जरूर इसके लिए समय भी दूंगा और सरकार जो मदद करना चाहे करेगी। हिंदी के शब्दकोश को मजबूत करना चाहिए, विस्तृत करना चाहिए, इसकी सीमाओं को बढ़ा देना चाहिए। मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिनके मार्गदर्शन में राजभाषा हिंदी निरंतर आगे बढ़ रही है। गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से यह डिजिटल हिंदी बृहत शब्दकोश तैयार किया गया है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का हृदय से आभार कि आपके कर कमलों से हिंदी शब्द सिंधु का लोकार्पण हुआ। हिंदी शब्द सिंधु तकनीकी, स्वास्थ्य, बैंकिंग, विधाई, मीडिया आदि सभी क्षेत्रों के शब्दों का सागर है। हमें दृढ़ विश्वास है कि यह शब्दकोश सर्वसमावेशी होते हुए भारतीय भाषाओं के मध्य सेतु के रूप में भी काम करेगा और सभी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। नहीं नहीं, ना ना ना, जितना खूबसूरत, जितना परिश्रम करके इस शब्दकोश के ओर हम बढ़ रहे हैं, उतनी ऊर्जावान तालियां नहीं है। हाँ, और जब ये शब्दकोश आपके राजभाषा विभाग तक पहुंचेगा तो आनंदित हो जाएंगे सभी हिंदी सेवी। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने अपने पहले अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में पहली पत्रिका स्मारिका का विमोचन माननीय अमित शाह जी के पावन कर कमलों से किया था और उसी सौभाग्य के क्षणों का साक्षात्कार हम एक बार फिर कर रहे हैं। द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन स्मारिका का विमोचन। सादर धन्यवाद मान्यवर। नया भारत, डिजिटल भारत, जी हाँ, मेरा भारत, आपका भारत अब तकनीक में नए आयाम स्थापित कर रहा है और इसका उदाहरण है स्वदेशी सॉफ्टवेयर कंठस्थ 2.0, जो कार्यक्षम होने के साथ साथ स्वदेशी एवं आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी पूरा करेगा। अब मैं अनुरोध करती हूँ माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से कि वे विश्व स्तरीय अनुवाद टूल कंठस्थ 2.0 का लोकार्पण करने की कृपा करें।
एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हिंदी के सही प्रयोग, नए शब्दों के प्रयोग, अनुवाद, उसका अर्थ समझने में सहायक होगा। धन्यवाद मान्यवर। इसी के साथ आज से कंठस्थ 2.0 आप सबके लिए उपलब्ध है। आप हिंदी भाषा को और अच्छे से समझ सकते हैं और इसका अनुवाद भी कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ सीडेक के महानिदेशक श्री ई मगेश जी को कि वे मंच पर आए और इस पल को सदा के लिए यादगार बनाने हेतु एक स्मृति चिन्ह माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को भेंट करें। आज से अपना स्वदेशी सॉफ्टवेयर जिसमें हम हिंदी को जानेंगे, हिंदी से जुड़ेंगे और हिंदी है हम इस बात को कहकर गर्व का आभास करेंगे। मित्रों, इसी क्रम में हम आज इन गौरवशाली क्षणों का साक्षात्कार करते हुए इसरो द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक का विमोचन भी सम्माननीय शाह जी के पवित्र कर कमलों से करेंगे। काव्य गाथा, इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उन वैज्ञानिकों का जो अनुभव है उसको काव्यात्मक और चित्रावली के रूप में इस पुस्तक में संयोजित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के 5 दशकों की यात्रा को विद्युत प्रकाशीय संवेदकों की ये विकास यात्रा, इसकी काव्यात्मक और चित्रात्मक अभिव्यक्ति काव्य गाथा के नाम से संकलित संयोजित यह पुस्तक इसरो के वैज्ञानिकों की अभिव्यक्ति। और अब हम उस क्षण की ओर बढ़ रहे हैं जो आज के इस कार्यक्रम के प्रथम सत्र का अहम अंश है। हमारा आशय है राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजभाषा कीर्ति और गौरव पुरस्कारों का आवंटन। आइए निवेदन करते हैं सम्माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह जी और मंच पर विराजमान सभी अति विशिष्ट जनों से विनम्र आत्मीय निवेदन, कृपया राजभाषा कीर्ति और गौरव पुरस्कार प्रदान करने के लिए। सर्वप्रथम पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग पुरस्कार प्राप्त करेंगे श्री संजीव नारायण माथुर संयुक्त सचिव। इसी क्रम में यह पुरस्कार था 300 से कम कार्मिक जिस मंत्रालय विभाग में हैं, अब 300 से अधिक कार्मिक अंतरिक्ष विभाग पुरस्कार प्राप्त करेंगे श्री नीलेश देसाई निदेशक। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कॉक क्षेत्र हिल इंडिया लिमिटेड और पुरस्कार प्राप्त करेंगे डॉक्टर सिब्बा प्रसाद मोहंती अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। करतल ध्वनि गुंजायमान होनी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम खौक क्षेत्र भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड और पुरस्कार प्राप्त करेंगे एम संत्रीनाथन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम गौ क्षेत्र राष्ट्रीय इस्पात निगम पुरस्कार प्राप्त करेंगे श्री अतुल भट्ट अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। इसी क्रम में भारत सरकार के बोर्ड स्वायत्त निकाय ट्रस्ट और सोसाइटी आदि कॉक क्षेत्र निर्यात निरीक्षण परिषद दिल्ली और पुरस्कार प्राप्त करेंगे डॉक्टर जे एस रेड्डी अपर निदेशक। इसी क्रम में कॉक क्षेत्र से भाकड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड चंडीगढ़ और पुरस्कार प्राप्त करेंगे श्री संजय श्रीवास्तव अध्यक्ष भाकड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड। गौ क्षेत्र में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कोची पुरस्कार प्राप्त करेंगे श्री के एस प्रदीप। राष्ट्रीयकृत बैंक वित्तीय संस्थान केवल मुख्यालयों के लिए है, 800 से कम कार्मिक वाले यूको बैंक और पुरस्कार प्राप्त करेंगे श्री
सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक। 800 से अधिक कार्मिक वाले बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा पुरस्कार प्राप्त करेंगे अजय कुमार खुराना, कार्यपालक निदेशक। इसी क्रम में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति दिल्ली बैंक कौ क्षेत्र के लिए, और पुरस्कार प्राप्त करेंगे श्री अतुल कुमार गोयल, सीएमडी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति खौ क्षेत्र, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति रत्नागिरी कार्यालयों के क्रम में अध्यक्ष इनका सम्मान पुरस्कार प्राप्त करेंगे श्री संतोष सामंत देसाई, जो कि बैंक के आंचलिक प्रबंधक हैं। इसी क्रम में गौ क्षेत्र, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गुवाहाटी उपक्रम के क्रम में सम्मान प्राप्त करेंगे, पुरस्कार प्राप्त करेंगे श्री संजीव पी सिंह, जो कि समिति के अध्यक्ष हैं, नराकास के अध्यक्ष हैं। इसी क्रम में गृह पत्रिकाएं राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2021-22 कौ क्षेत्र, वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की पत्रिका विज्ञान प्रगति, और पुरस्कार प्राप्त करेंगे प्रोफेसर रंजना अग्रवाल। खौ क्षेत्र के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी मुंबई विनियामिका पत्रिका पुरस्कार प्राप्त करेंगे श्रीमती माधुरी पुरी बुच, जो कि अध्यक्षा हैं बोर्ड की। गौ क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम सुगंध पत्रिका, और पुरस्कार प्राप्त करेंगे श्री ललन कुमार महाप्रबंधक राजभाषा। अगला पुरस्कार और प्रमाण पत्र, राजभाषा गौरव पुरस्कार वर्ष 2021 में केंद्र सरकार के कार्मिकों, जिसमें सेवानिवृत्त कार्मिक भी शामिल हैं, उनके लिए गौरव पुरस्कार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार जीतने वाले लेखक का नाम है डॉक्टर राम अवध राम, और उन्हें ये पुरस्कार मिला है उनकी पुस्तक जैविक कृषि के लिए। ज्ञान विज्ञान पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना 2021 में प्रथम पुरस्कार जीता है नारी सुरक्षा एक यक्ष प्रश्न, और इसकी लेखिका का नाम पद्मावती त्यागी। उत्कृष्ट लेखों के लेखकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार 2021-22 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीतने वाले लेखक का नाम है अनिल कुमार लोहानी। इनके लेख का शीर्षक है भारत में बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ पूर्व चेतावनी तंत्र, और जिस पत्रिका में ये लेख प्रकाशित हुआ है उस पत्रिका का नाम है प्रवाहिनी। हिंदीतर भाषी क्षेत्र के लिए प्रथम पुरस्कार जीतने वाले लेखक का नाम है डॉक्टर बसंती रामचंद्रन। इनके लेख अतुल्य भारत की बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा आर्द्र भूमि विज्ञान प्रगति पत्रिका में प्रकाशित हुई है। आज ही हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी करतल ध्वनि के साथ जोरदार तालियां उनके लिए। आप सभी गणमान्य जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्र जी से कि आप अपने संबोधन के द्वारा हम सभी को अनुग्रहित करें। माननीय अजय कुमार मिश्र जी। हिंदी दिवस और दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, गुजरात प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय में एमओएस श्री राजकुमार रंजन जी, मेरे साथी गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री निशित प्रमाणिक जी, सूरत की ही सांसद और भारत सरकार में मंत्री हमारी दर्शना बेन,
गुजरात प्रदेश के गृह मंत्री श्री हर्ष भाई रमेश भाई सिंघवी जी, संसदीय राजभाषा समिति के माननीय उपाध्यक्ष श्री भरतहरि मेहताब जी, संसदीय राजभाषा समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, पूरे देश से आए हुए सभी हिंदी के विद्वान प्रतिभागीगण, उपस्थित सचिव, अन्य हमारे राजभाषा गृह मंत्रालय के सभी कर्मचारी, गुजरात सरकार में जिन लोगों ने यहाँ पर आकर के सहयोग किया, ऐसे सभी सम्मानित अतिथिगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण और पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज का दिन हमारे देश के लिए एक विशेष दिन है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में आज पहली बार आजादी के जब 75 साल पूरे हो चुके हैं, ये हम सब के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि पहली बार हिंदी दिवस का कार्यक्रम दिल्ली से बाहर कहीं हो रहा है। आज वो दिन हमको बहुत दिन से प्रतीक्षित था, वो आज हुआ है। साथ ही मैं एक बात के लिए माननीय गृह मंत्री जी का विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगा। हमारे संविधान में ये व्यवस्था थी कि भारत सरकार राजभाषा की विकास के लिए काम करेगी, लेकिन ये आश्चर्य ही था कि 75वें वर्ष में जब माननीय गृह मंत्री जी के हाथ में गृह मंत्रालय और राजभाषा का नेतृत्व था, पहली बार बनारस में हमने 2021 में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन किया और लगातार आज दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनका आभार प्रकट करते हुए आप सबको हिंदी दिवस और राजभाषा के द्वितीय इस महासम्मेलन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। ये देश जब आजाद हुआ उसी समय से हमारे देश में राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार हो और हिंदी को हम अपने देश की ऐसी स्वस्वीकृत भाषा बनाने का काम करें जिसमें हम जो हमारा नेचुरल विकास होता है प्राकृतिक ढंग से हम अपनी भाषा और अपने संस्कारों, संस्कृति, अपने ज्ञान परंपराओं का विकास कर सके। गांधी जी ने 1947 में हरिजन पत्रिका में आजादी के बाद एक लेख लिखा था। उन्होंने कहा था, जिस प्रकार हमने राजनीतिक प्रयासों से अपने देश में जबरदस्ती सत्ता हथियाए हुए ब्रिटिश को भगाया है, उसी तरह से हमारे सांस्कृतिक और संस्कारित जो संस्थान है उनका अधिग्रहण कर रही अंग्रेजी को भी हमको जल्दी से जल्दी अपने देश से हटाना चाहिए। जितनी देरी होगी उतना हमारे सांस्कृतिक संस्थानों का नुकसान होगा। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी केवल भाषा नहीं है, अंग्रेजी हमारे लिए पराधीनता का स्मारक है। और आपको याद होगा अभी 15 अगस्त 2022 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जो भाषण दिया और अमृतकाल में हम लोगों की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, उसमें उन्होंने एक प्राथमिकता यह भी बताई कि गुलामी के चिन्हों से हमको पूरी तरह से मुक्त हो जाना चाहिए। भारत सरकार लगातार इस पे काम कर रही है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कई जगहों पर हम लोगों को कठिनाइयां आ रही हैं। अंग्रेजी की वजह से जो हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति, उस दौरान जो सत्ता में आए हुए लोग थे उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति ना होने के कारण हमारे देश की संस्कृति, साहित्य के साथ साथ इतिहास लेखन में भी बहुत बड़ी भूलें हुई हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने अभी शिक्षा नीति नई जो घोषित हुई है उस पर अपना भाषण देते हुए कहा था उन्होंने कि अंग्रेजों ने उनका शासन लंबा चले, उनकी सत्ता बनी रहे, ऐसे कई गुलामी के चिन्ह हमारी मानसिकता में आ जाए, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया था और उसी में एक भाषा भी थी। और भाषा के कारण हम लोग गुलामी के चिन्हों को बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब वो समय आ गया है। उन्होंने कहा, आज भारत
एक आत्मविश्वास से भरपूर देश है, उसकी विश्व में अपनी स्वीकार्यता है और देश में भी हम पूरी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से हम लोगों को अपनी भाषा पर भी ध्यान देना चाहिए। और हिंदी के साथ साथ उन्होंने एक जो नई इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया है, उन्होंने हिंदी के साथ साथ भारतीय भाषा का रूप दिया है, जिसको अंग्रेजों ने अपने समय में इस तरह से किया था कि अंग्रेजी के और भारतीय भाषाओं के बीच में अंग्रेजी को एक ऊपर का स्थान दे दिया और हिंदी को दूसरी हमारी भारतीय भाषाओं के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन उस समय का जो राजनीतिक नेतृत्व था उसमें यह इच्छा शक्ति न होने के कारण उन लोगों ने उसी चीज को बढ़ावा दिया। गांधी जी बार बार प्रयास कर रहे थे आजादी के बाद कि किसी तरह से हिंदी को लागू किया जाए, और आजादी से पहले भी ऐसे कई घटनाक्रम हुए जिसमें महात्मा गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदी का बढ़ावा देना चाहिए, हिंदी का विकास होना चाहिए। और उसके लिए उनके बार बार आग्रह के बावजूद हम सब ने देखा है कि संविधान सभा में भाषा को जब निर्णित करना था तो लगातार वो तिथियां बढ़ती जा रही थी। अंत में 12 सितंबर को इस पर चर्चा शुरू हुई, जो 12, 13 और 14 सितंबर तक हुई, और 14 सितंबर को राजभाषा के रूप में तो स्वीकृत किया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक प्राविधान जोड़ दिया। और ये प्राविधान उन्होंने ये जोड़ा कि अगले 15 वर्षों तक, संविधान के लागू होने के अगले 15 वर्षों तक हिंदी के साथ अंग्रेजी भी हमारी भाषा रहेगी राजकाज के कामकाज की। और उसके अलावा एक उन्होंने और प्राविधान किया था, अगर 15 वर्ष के बाद भी आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार संसद में बिल पास करके उसमें और भी समय बढ़ा सकेगी। और हम सब ने देखा है जिस तरह पूरी दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा एक भावना बनने लगी थी कि देश स्वतंत्र होने वाला है, पूरी दुनिया के सभी देशों ने अपने, अमेरिका है, यूरोप के बहुत सारे देशों ने हिंदी का पठन पाठन वहां पर प्रारंभ कर दिया था, लेकिन हमारे देश के ही लोगों ने, जिसमें उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनके, उन्होंने न केवल सदन में ये घोषणा की, उन्होंने सदन में ये कहा कि 1963 की ये बात है, सदन में उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि अभी अंग्रेजी हमारे देश में चलती रहेगी। उसी के कारण भाषा अधिनियम आया था, कांग्रेस जन्म से ही अंग्रेजी के साथ रही और अंग्रेजी के लिए ही काम कर रही थी, हिंदी के विकास को उन्होंने लगातार रोका था। और उसी का परिणाम था, उस समय के गृह मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सदन में एक बिल पेश किया था, और उस बिल को पेश करने में उन्होंने ये बात बिल में पास कराई थी कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी अनिश्चित काल तक चलती रहेगी। उसी दौरान डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने उस बिल में संशोधन पेश करते हुए राज्यसभा में ये बात कही थी कि ये अनिश्चित काल कहीं अनंत काल ना हो जाए, और वो हमने देखा है 2014 तक वो अनिश्चित काल अनंत काल में बदलता जा रहा था। लेकिन 2014 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी का प्रयोग प्रारंभ किया, और उसके बाद 2019 के बाद हम कह सकते हैं जब माननीय श्री अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री बने, राजभाषा के लिए एक स्वर्णिम युग आया है, एक सुनहरा अवसर आया है। और 2019 के बाद लगातार न केवल उन्होंने अपने भाषणों के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से, अपने मंत्रालय के कामकाज, सरकारी कामकाज के साथ साथ देश भर में जहां भी उनका भ्रमण हुआ उन्होंने लगातार राजभाषा को आगे बढ़ाने का काम तो किया ही, लेकिन उन्होंने एक दिशा बदल दी। अंग्रेजों ने बहुत चतुरता के साथ जिस बात को हमारे देश में विकसित किया था कि अंग्रेजी भारतीय, सभी भारतीय भाषाओं से ऊपर है और हमारी भारतीय भाषाओं की प्रतिद्वंद्वता हिंदी से है, ये एक उन्होंने इस तरह का वातावरण बना दिया था कि पूरे देश में अंग्रेजी को अलग कर दिया और हिंदी को हमारी ही भाषाओं के सामने खड़ा कर दिया। इसको तोड़ने की हिम्मत कोई दूसरे दल, कोई दूसरी सरकार नहीं कर सकी, क्योंकि वो राजनीतिक कारणों से ऐसा करना उचित नहीं मानते थे। लेकिन हमारे गृह मंत्री जी ने न केवल वो फिलॉसफी बदली, वो दर्शन बदला, वो विचार बदला,
और आज उन्होंने हिंदी और राजभाषा ही नहीं भारतीय भाषाओं की संकल्पना, भारतीय भाषाओं की संकल्पना आज हमारे देश के सामने है, उसी का परिणाम है। अभी उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा, अभी हम लोगों ने भाषण में आपने भी देखा होगा, अलग अलग समाचारों में देखा होगा, जो हमारी क्षेत्रीय बैठकें हुई हैं उसमें हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को यह भी कहा कि आप अपने अपनी भाषा में बोलिए, अंग्रेजी की बजाय आप जिस प्रदेश से आते हैं तमिल तेलुगु कन्नड़ गुजराती पंजाबी किसी भी भाषा में बोलिए, सारी भाषाएं हमारी हैं। और उन्होंने केवल 3 वर्ष में ही यह कंसेप्ट बदल दिया और आज हिंदी हमारी भारतीय भाषाओं की प्रतिद्वंदी नहीं है, हम सब भारतीय भाषाएं और हिंदी ये मिलकर के पूरा हमारा भारतीय भाषाओं की संकल्पना पूरी होती है, वही कंठस्थ में हम लोगों ने आज यहां पर उसका टूल का को विकसित किया है 14 भाषाओं में। वो इस तरह से जो उन्होंने लगातार प्रयास किए उससे न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी हिंदी का प्रचार प्रसार और स्वीकारता बढ़ी है। जहां देश में हिंदी बोलने समझने की संख्या बढ़ी है, वहीं विदेशों में चूंकि हमारे देश की अध्यात्म की और संस्कृति से पूरी दुनिया प्रभावित थी, हमारे यहाँ की फिल्में हो, गजलें हो, गीत हो, नाटक हो, साहित्य हो, इससे पूरी दुनिया आकर्षित थी और दुनिया के लोग हिंदी सीखना चाहते हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने उन सब चीजों को समझा और आज मैं कह सकता हूं कि हमारे देश के साथ साथ विदेशों में भी हिंदी का विस्तार हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हमने न केवल दुनिया में ऐसे 25 सेंटर स्थापित किए हैं जहां पर हम विदेशों के स्थानीय नागरिकों को हिंदी सिखाते हैं, साथ ही साथ जहां जहां हमारे हिंदुस्तान से गए हुए लोग हैं, मॉरिशस है, ऐसे गुयाना है, ऐसे बहुत सारे देश हैं, फिजी है, जहां पर वहां 100 साल का इतिहास लिखने के लिए भी हमारी सरकार ने उनको आर्थिक मदद की है। विश्व हमारा हिंदी विश्व सचिवालय हमने मॉरिशस में बनाया है। अभी एक आपको जानकर के अत्यंत खुशी होगी, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ भारत सरकार ने एक समझौता किया है। हम अकेले देश हैं पूरी दुनिया के जिसने संयुक्त राष्ट्र से यह समझौता किया है कि संयुक्त राष्ट्र के कामकाज में हमारी राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाएगा। हम अकेले देश हैं पूरी दुनिया में। और उस सबका परिणाम यह हुआ है कि जहां देश में एक सकारात्मक वातावरण हिंदी के पक्ष में बना है, वहीं पर पूरी दुनिया में हिंदी का प्रचार प्रसार और स्वीकारता अधिक संख्या लोगों के बोलने लिखने पढ़ने समझने वालों की हुई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपने सोशल मीडिया हो, मीडिया हो, ऐसी सभी जगहों पर हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया है। लाखों फॉलोअर्स हैं फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, ट्विटर पर, ऐसे बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स भी हिंदी के बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का रेडियो बुलेटिन हिंदी के समाचार को प्रकाशित करता, उसको प्रसारित करता है। उसके साथ ही साथ अभी आपको यह भी जानकर के बहुत खुशी होगी कि ऐसे कई देश हैं, 25 से ज्यादा देश दुनिया में ऐसे हैं जहां पर हिंदी के न्यूज़पेपर, हिंदी की पत्रिका, हिंदी की ईमेल पत्रिका, हिंदी के ई बुलेटिन ये भी हमारे जारी हो गए हैं। यूरोप के कई देश हैं जहां पर आमतौर पर माना जाता है कि हिंदी की स्वीकारता नहीं, वहां पर भी हिंदी की स्वीकारता बढ़ी है। लेकिन इस सब के लिए आप सबका बहुत प्रयास रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जहां हम सबको प्रेरणा दी है, उन्होंने सरल सहज हिंदी की स्वीकारिता को बढ़ावा देने के लिए काम कहा है, वहीं हमारे गृह मंत्री जी ने वास्तव में हिंदी और हमारी भारतीय भाषाओं का विकास कैसे हो, प्राकृतिक रूप से कैसे विकास हो, सहजता और सरलता से विकास हो, इन सारी चीजों को लेकर के न केवल एक कार्यक्रम बनाया, पूरी तरह से ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं जहां पर हमारी सारी भाषाएं मिलजुल करके इस देश में कैसे हमारी भाषा और संस्कृति विकसित हो, उसके लिए काम किया है। आप सब ने पूरे देश में से आप आए हैं और पूरे देश में जिस तरह से आपने हिंदी के लिए काम किया है, अन्य हमारी भारतीय भाषाओं के लिए काम किया है, हमारी सारी भाषाएं हमारी हैं, हिंदी हमारी राजभाषा है और ये सब मिलकर के भारतीय भाषाओं के माध्यम से हमारी संस्कृति, संस्कार, सदाचार, परंपरा और ज्ञान, अध्यात्म की परंपराओं को पूरी दुनिया को दर्शन कराएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के रूप में हमारे पास एक सक्षम नेतृत्व है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला समय हमारी भाषाओं का होगा, हिंदी का होगा, राजभाषा का होगा। आप सब यहाँ आए, बड़ी संख्या में आए, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आप ही के शब्दों में, हिंदी बोलने से क्यों करते हैं हम परहेज, हिंदी से क्यों है हमें गुरेज, अजी तोड़िए गुलामी की जंजीरें, चले गए अंग्रेज। अब मेरा अनुरोध गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी से कि वे विशिष्ट जनों की सभा को संबोधित करें। मान्यवर। टेक्सटाइल नगरी सूरत की भूमि पर हिंदी दिवस समारोह 2022 तथा द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के संयुक्त आयोजन के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर विराजमान भारत की सुरक्षाओं को अखंड रखने वाले कुशल संगठक केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित भाई शाह साहब, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री निशित प्रमाणिक जी, श्री अजय मिश्रा जी, विदेश एवं शिक्षा राज्य मंत्री श्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री दर्शामेन जरतोस, मेरे साथी मंत्री श्री हर्ष भाई संघवी, सचिव श्री हंसुली आर्या, आमंत्रित सभी महानुभाव, प्रेस मीडिया के मित्रों और आप सबको मेरा नमस्कार। साथियों, 7 दशक पहले हमारे संविधान के सर्जकों ने 14 सितंबर के दिन हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। उस ऐतिहासिक दिन को फिर हमने हिंदी दिवस के रूप में एक राष्ट्रीय उत्सव बना दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश स्वतंत्रता के 75 साल आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। तब एक सुभग ये भी है कि गुजरात में हिंदी दिवस भी उन्हीं के प्रेरणा से आज मनाया जा रहा है। इस उत्सव में सभी भारतीय भाषाओं के लोग एक साथ मिलकर हिंदी का सम्मान करने हृदयपूर्वक जुड़ जाते हैं। गुजरात के लोग की मातृभाषा गुजराती है, अन्य राज्यों के लोगों की अपनी भाषाएं हैं, देश की सभी भाषाएं समृद्ध हैं, प्यारी हैं, लेकिन भारत के लोगों ने हमेशा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में विशेष प्रेम और आदर दिया है और आज भी दे रहे हैं। अपनी मातृभाषाओं पर गौरव के साथ राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान यह भारतीयों की विशेषता है। इसीलिए हमारे यहाँ कवियों ने भी कहा है कि हिंदी तो भारत के बाल की बिंदी है। मातृभाषा भले ही हम सभी की अलग हो, पर हमारी राष्ट्रभाषा तो एक ही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमें सबका साथ सबका विकास सूत्र दिया है। यह सूत्र भी इसी अनेकता में एकता की भावना को व्यक्त करता है। गुजरात और गुजराती भाषा के साथ हिंदी भाषा का संबंध विशेष है। हमारे सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आयोजित यह कार्यक्रम गुजरात की धरती पर हो रहा है। गुजरात की धरा से 19वीं सदी में उत्तराद में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के प्रचार के लिए और अपने विचारों को पूरे देश को कोने कोने तक पहुंचाने के लिए सत्यार्थ प्रकाशक को हिंदी में लिखा। गुजरात और गुजरातियों हिंदी को हमेशा अपने हृदय के नजदीक पाए हैं और इसका कारण भी है कि न केवल गुजराती और हिंदी लिपियां आपस में जुड़ी हैं, बल्कि गुजराती का साहित्य भी हिंदी से साहित्य से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है।
गुजराती और हिंदी भाषाएं संस्कृत के भाषा कुल से आई हुई भाषाएं हैं। दोनों भाषा के शब्दों और लिपियों में समानता तो है ही, पर दोनों के संगम की सुंदरता भी अपार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रेरणा से देश ने अमृत काल में प्रवेश किया है। इस ऐतिहासिक गौरव की क्षण में प्रधानमंत्री जी ने हमें आह्वान दिया है कि हम अपनी संस्कृति पर, अपनी भाषाओं पर, अपनी विरासतों पर गर्व करें। हिंदी भाषा हमारी समृद्धि विरासत का जीवन गौरव है, हमें इसके गौरवगान करना है। यह हम सब के लिए आनंद और गौरव की बात है कि आज विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी चौथे नंबर पर है। यह इस कार्यक्रम में हिंदी के गौरवगान भाषा संस्कृति विकास के साथ साथ चर्चा विमर्श के माध्यम से हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने पर भी चर्चा होने वाली है। इस सुंदर आयोजन के लिए मैं राजभाषा विभाग को हृदयपूर्वक बधाई देता हूँ। आइए हम साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी के आह्वान को उत्साह से स्वीकार ले और माँ भारती के विश्व गुरु पद पर विराजमान करने के लिए अविरत श्रम का मार्ग ले। हम सब साथ मिलकर हिंदी के गौरव और समृद्धि को बढ़ाए। फिर एक बार सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात यहाँ ही पूर्ण करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। बहुत धन्यवाद श्रद्धेय मुख्यमंत्री गुजरात सरकार। हालांकि समय का अतिक्रमण, लेकिन मैं एक सेकंड में एक बात जरूर कहना चाहता हूं। मान्यवर, गुजरात की भूमि ने अनेक संत दिए जिन्होंने राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में अभूतपूर्व योगदान दिया। एक और संत हैं, बापू हैं, पटेल हैं, दयानंद सरस्वती हैं, बहुत सारे हैं, सूची लंबी है, समय नहीं है। लेकिन एक संत और इस धरती ने दिए, इस भूमि ने दिए, इस राज्य ने दिए, इस प्रदेश ने दिए, वो संत हैं भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने हिंदी को एक अभूतपूर्व दिशा दी। और हमें कहने में बड़ा गर्व है, एक और संत हैं जिन्होंने राजभाषा हिंदी को इस रूप में दे दिया कि एक सीमित सीमा विज्ञान भवन से बाहर आकर आज हम 9,500 लोगों के बीच में हिंदी दिवस मना रहे हैं। और वो महान संत है अमित शाह। ऊंची करतल ध्वनि होनी चाहिए इस क्षण के अभिवादन के लिए। आओ अपने पन की बात करें कुछ, मन उपवन की बात करें कुछ, महक उठे ये सारी बगिया, ऐसे शब्द सुमनों की बात करें कुछ। श्रद्धे अमित शाह जी। मंच पर उपस्थित गुजरात राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, राजभाषा का काम मेरे साथ देखने वाले गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी, निशित प्रमाणिक जी, इस सूरत की ही सांसद जो आज हम सब की मेजबानी कर रही है, और रेल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोस जी, हमारे शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजकुमार रंजन जी, मेरे साथ उपाध्यक्ष संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष हैं श्री भर्तृहरि मेहताब जी। मैं एक बात बीच में बताना चाहता हूं कि मैं पदेन अध्यक्ष हूं, भर्तृहरि जी उपाध्यक्ष हैं। हम दोनों हिंदी नहीं बोली जाती है ऐसे राज्य से आते हैं। मैं गुजरात से आता हूं, वो उड़ीसा से आते हैं। गुजरात के दमदार और यशस्वी गृह मंत्री भाई हर्ष संघवी जी, हमारी सचिव बहन अंशुली आर्या जी, और आज सूरत नगरी में यहां पर आए हुए सभी राजभाषा प्रेमियों को
मेरा मन से प्रणाम नमस्कार। सबसे पहले तो मैं देश और दुनिया के सभी हिंदी प्रेमियों को आज हिंदी दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम सबके लिए संविधान सभा के निर्णय को सिर्फ याद करने का दिन नहीं है। मोदी जी ने कहा है कि 75 साल से 100 साल ये जो अमृत काल है, इस संकल्प लेने का और संकल्प की सिद्धि करने का समय है। हम सब ने, पूरे देशवासियों ने संकल्प लेने की जरूरत है कि 25 साल के अंदर हमारा देश कोई भाषा की लघुता ग्रंथि से मुक्त होकर हमारी स्वभाषाओं में देश का विकास करेगा और देश को दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाए। हमारी राजभाषा, हमारी स्थानीय भाषाएं विश्व की सबसे समृद्ध भाषाओं में, और जब तक हम ये बात का संकल्प नहीं करते कि इस देश का शासन, इस देश का प्रशासन, इस देश का ज्ञान, इस देश का अनुसंधान हमारी भाषाओं में होगा, राजभाषा में होगा, तब तक इस देश की क्षमताओं का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। मित्रों, ये सब चीजों को आज संकल्पित करने का दिन है, इसलिए मैं देश भर में, दुनिया भर में फैले हुए हिंदी प्रेमियों को, राजभाषा प्रेमियों को कहना चाहता हूं कि ऐसा मत समझिए कि राजभाषा के विस्तृत करने का, राजभाषा को आगे बढ़ाने की लड़ाई जो है वो हम पीछे छोड़ चुके हैं। मौका ही अब आया है ये लड़ाई को आगे बढ़ाने का, मौका ही अब आया है ये लड़ाई को जीतने की स्थान पर ले जाने का। मित्रों, आज सूर्यपुत्री ताप्ती के किनारे पर इस विशाल सभागार में हिंदी सम्मेलन को देखकर, राजभाषा सम्मेलन को देखकर मन को बड़ा आराम मिलता है। हिंदी के इस सम्मेलन के लिए, राजभाषा के इस सम्मेलन के लिए हमने सूरत का चयन इसलिए किया था, दो कारण थे। एक तो सूरत वीर नर्मद की भूमि है। वीर नर्मद ने शायद देश में सबसे पहले अपनी भाषाओं के महत्व को उजागर किया था। उन्होंने देश भर में अपनी भाषाओं में इस देश का व्यवहार हो, इसका आग्रह रखा था। उन्हें पूरे गुजराती लोगों को एक स्वप्न दिया था गर्वी गुजरात का, और उसके साथ साथ उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले कहा था इस देश का शासन, इस देश का व्यवहार ये हिंदी में चलना चाहिए, कोई विदेशी भाषा में नहीं चलना। ये वीर नर्मद की भूमि है, और दूसरा ये सूरत उत्साह की भूमि है, ये सूरत मनोरथ रखने वालों की भूमि है, और ये सूरत मनोरथ सिद्ध करने वालों की भी भूमि है। इसीलिए सूरत को हमने तय किया था। पहले काशी में गए थे, यहां खड़ी बोली से हिंदी का आज का स्वरूप लाने में काशी का बहुत बड़ा योगदान रहा, और आज सूरत आए हैं जहां वीर नर्मद के 1900 के पहले के संकल्प को चरितार्थ करने का संकल्प हमने करना है। मित्रों, महात्मा गांधी ने राजभाषा के लिए एक ही वाक्य में बहुत सुंदर उसकी जरूरियत का व्याख्यान किया था। उन्होंने कहा था, राजभाषा हिंदी के बिना ये राष्ट्र गूंगा है, हिंदी ही राष्ट्र को बोलता कर सकती है। बहुत बड़ा वाक्य है। हमारी स्वभाषाओं के गौरव को महात्मा गांधी ने एक ही वाक्य से
पूरे विश्व के सामने रखने का काम किया था। और मैं आज कहता हूं मित्रों, हिंदी हमारे मन की भाषा है, हिंदी हमारे राष्ट्र प्रेम की भाषा है और हिंदी आम हिंद के जन की भाषा है, आम जन की भाषा है, हमें इसको आगे बढ़ाना है। मित्रों, आज आजादी का अमृत महोत्सव है, तब मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मोदी जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर जो आए हैं, इसका हम सब जरूर बारीकी से इसका अध्ययन करें, इसकी आत्मा क्या है इसका अध्ययन करें। मोदी जी ने नई शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर सबसे बड़ा भार अगर किसी चीज पर दिया है तो उस पर दिया है कि प्राथमिक शिक्षा और इसके आगे की शिक्षाओं में भी स्वभाषा का सबसे बड़ा उपयोग होना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा स्वभाषा में ही हो। इसके आगे बढ़कर कहा, अनुसंधान के क्षेत्र में भी स्वभाषा का उपयोग होना चाहिए, कोर्टों की भाषा, मेडिकल विज्ञान की भाषा, तकनीक की भाषा और इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम स्वभाषा में रूपांतरित होकर आने वाले दिनों में इसका अनुसंधान भी स्वभाषा में हो, राजभाषा में हो, इस दिशा में ले जाने का उन्होंने बीज नई शिक्षा नीति के अंदर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर बोया है। और मित्रों, मुझे भरोसा है कि आजादी का शताब्दी जब ये देश मना रहा होगा, तभी जो बीज मोदी जी ने 2020 में बोया है, एक वट वृक्ष बनकर इस देश की सभी भाषाओं को पल्लवित कर भाषा के क्षेत्र में भी हमें आत्मनिर्भर बनाएगा। मित्रों, स्थानीय भाषा और हमारी हिंदी, ये हमारे सांस्कृतिक धारा प्रवाह का प्राण है। हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को और आने अनेक पीढ़ियों से हमारा जो साहित्य सर्जन हुआ है, इसकी आत्मा को अगर समझना है तो राजभाषा को सीखना ही पड़ेगा। अगर इसकी आत्मा को समझना है तो हमारी स्थानीय भाषाओं को मजबूत बनाना पड़ेगा, और राजभाषा और स्थानीय भाषा मिलकर पूरे देश के मन में से ये भाषा की लघुता ग्रंथि को जो अंग्रेजों ने निर्मित किया है उसको उखाड़ कर फेंकने का समय अब आ गया है। इसलिए आज का दिन जो देश को हर क्षेत्र में स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोकमान्य तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इसका जयघोष किया। अगर तिलक महाराज को कोई ध्यान से समझता है और तिलक महाराज के सारे भाषणों को ध्यान से अगर किसी ने पढ़े हैं तो वे रोक टोक तिलक महाराज की स्वराज की कल्पना का व्याख्या कर सकता है। तिलक महाराज के स्वराज की कल्पना में सिर्फ शासन में परिवर्तन नहीं था, शासन तो परिवर्तित हो ही, इस देश का शासन इस देश के लोग ही करे वो तो एक प्रमुख मांग थी, परंतु उसके साथ साथ स्वभाषा, स्वधर्म, स्वसंस्कृति, इसके लिए भी स्वराज की मांग तिलक महाराज ने उठाई थी। और आज मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस रास्ते पर चल रहा है वो रास्ते पर तिलक महाराज के स्वराज की परिकल्पना को हम सार्थक करेंगे और देश उसी रास्ते पर चलेगा। मैं आज राजभाषा दिन के मौके पर देश के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, भाषा क्षमता की परिचायक नहीं है, भाषा अभिव्यक्ति है। क्षमता आपके अंदर पड़ी है, आपकी क्षमता का परिचय किसी भाषा का मोहताज नहीं है। देश के युवा भाषा की यह लघुता ग्रंथि से दूर निकले,
अपनी स्वभाषा को स्वीकारे और स्वभाषा को आगे ले जाने का काम करे, अपनी राजभाषा को स्वीकारे और राजभाषा को आगे ले जाने का काम करे, बहुत जरूरी है। जब तक देश का युवा अपनी क्षमताओं के आधार पर अपनी भाषा में अपने मौलिक चिंतन की अभिव्यक्ति नहीं करेगा, वो कभी भी अपनी क्षमताओं को पूर्णतया समाज के सामने नहीं रख सकता, क्योंकि अपने मौलिक चिंतन की अभिव्यक्ति स्वभाषा से अच्छी किसी भी भाषा में नहीं हो सकती। ये हमने समझ कर रखना चाहिए। ढेर सारे शिक्षाविदों ने प्राथमिक शिक्षा और बच्चे की ग्रहण शक्ति पर जितने भी अध्ययन किए हैं, वो सारे अध्ययन एक ही बात को इंगित करते हैं कि बच्चा स्वभाषा में जो ग्रहण कर सकता है, वो बच्चा आगे जाके मौलिक चिंतन कर सकता है। और मित्रों, जो मौलिक चिंतन कर सकता है वो ही अनुसंधान कर सकता है, और जो अनुसंधान कर सकता है वो ही क्षमता प्राप्त कर सकता है। ये पूरी श्रृंखला को भाषा के बगैर पंगु बनाने का काम आगे चलने वाली सरकारों ने किया है। मोदी जी ने एक भी शब्द बोले बगैर विश्व में जहां जहां भी मंच मिला, गौरव के साथ हिंदी में पूरे विश्व को संबोधित किया है। और मैं कह सकता हूं कि विश्व के मंच पर अंग्रेजी बोलने वाले सारे नेताओं से ज्यादा वजन से अगर किसी को सुना गया है तो मेरे और आपके नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुने, क्योंकि उन्होंने अपनी भाषा में अपनी बात रखी थी। उनकी अभिव्यक्ति सटीक थी, मन की गहराइयों से आती थी, दिल की गहराइयों से उनकी अभिव्यक्ति आती थी, इसलिए इसकी स्वीकृति भी ज्यादा आई। मैं आज अभिभावकों को भी, बच्चों के अभिभावकों को भी एक बात करना चाहता हूं। मेरी बात मानकर आप बच्चों के शिक्षा का माध्यम तो एकदम बदलेंगे नहीं, मुझे मालूम है, परंतु कम से कम ठीक है ना भाई, कोई बात नहीं, ये समय भी आ जाएगा, मगर कम से कम अपने घर में बच्चों से बातचीत की भाषा अपनी रखिएगा। अगर बातचीत के माध्यम से भी राजभाषा सिखा दोगे, बातचीत के माध्यम से भी गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयाली सिखा दोगे बच्चों को, तो वो बच्चा अपना रास्ता आगे ले देगा, क्योंकि पूरा देश ही करवट बदल रहा है, तो आपका बच्चा भी इसके साथ जुड़ने वाला है। तो मेरा अभिभावकों से बहुत आग्रह है कि एक बार बच्चों को उनके सुनहरे भविष्य के लिए अपनी भाषा जरूर सिखाइए। जब तक आपका बच्चा स्वभाषा नहीं सीखता है, वो देश की संस्कृति से नहीं जुड़ सकेगा, देश के इतिहास को नहीं समझ पाएगा, और देश की संस्कृति को इतिहास से जुड़े बगैर वो ये देश के नहीं जुड़ पाएगी, इसकी जड़ें इस देश से नहीं जुड़ सकती। इसलिए मैं अभिभावकों को भी ये कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे को आप स्वभाषा जरूर सिखाइए। मित्रों, आज यहां पर एक हिंदी से हिंदी बृहत शब्दकोश, जिसका नाम हिंदी शब्द सिंधु रखा है, इसका पहला संस्करण लोकार्पण किया गया है। मित्रों, आज जो बात मैं करने जा रहा हूं, इसमें हिंदी के खाटी विद्वान शायद मुझसे मतभेद करेंगे, मैं उनको करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे भाव को जरूर समझें। मित्रों, हिंदी को अगर लोकभोग्य बनाना है, देश और दुनिया में स्वीकृत बनाना है, तो हिंदी के शब्दकोश को बृहद बनाना पड़ेगा, बहुत विस्तृत बनाना पड़ेगा। कोई भी भाषा दूसरी भाषा के शब्द लेने से लघु नहीं होती है, वो गुरु होती है, बड़ी होती है। हमने भी हिंदी को लचीली बनाना पड़ेगा। हिंदी को लचीली बनाए बगैर हिंदी को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। दुनिया का नियम है, संसार का नियम है, जो समय के साथ नहीं बदलते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। हिंदी को स्वीकृत बनाना पड़ेगा। अनेक भाषाओं से इसमें हमने शब्दों को लिया है जो आज की बोलचाल के शब्द बन चुके हैं, इसको हिंदी ने भी स्वीकारना पड़ेगा। हिंदी के शब्द को भी दुनिया की 70 से ज्यादा भाषाओं ने स्वीकारा है।
हमने भी ये बड़प्पन दिखाना पड़ेगा भारत की स्थानीय भाषाओं के सारे शब्दों को जो हिंदी के आम बोलचाल के शब्द बन चुके हैं इसको स्वीकार कर ये बृहद हिंदी शब्द सिंधु का संस्करण आज लोगों के सामने रखा है। मेरा हिंदी के विद्वानों को देश भर के हिंदी के विद्वानों को करबद्ध निवेदन है बड़ा मन रखकर बड़ा हृदय रखकर हिंदी के भले के लिए इस शब्द को उसको स्वीकार करिएगा आपकी स्वीकृति के बगैर वो आगे नहीं बढ़ पाए। जब तक हम हिंदी को लचीला नहीं बनाएंगे हिंदी को सर्वस्वीकृत नहीं बनाएंगे हम हिंदी को आगे नहीं बढ़ा सकते। और यहां पर संस्करण एक इसलिए लिखा है कि इसके आगे और भी संस्करण आने वाले हैं। आने वाले दिनों में विज्ञान का सारा अभ्यासक्रम हिंदी में बनने वाला है, मेडिकल विज्ञान का सारा अभ्यासक्रम हिंदी में बनने वाला है, टेक्निकल अभ्यासक्रम इंजीनियरिंग का अभ्यासक्रम पूरा हिंदी में बनने वाला है। ये सारे अभ्यासक्रमों को लोकप्रिय बनाना है तो हिंदी को भी लोकप्रिय बनाना पड़ेगा। कानून की भाषा अगर हम हिंदी चाहते हैं, कानून की भाषा स्वभाषा चाहते हैं, तो हमने कानून की भाषा के कुछ शब्दों को भी हमारे शब्दकोशों में स्थान देना पड़ेगा। स्थानीय भाषाओं के शब्दकोश बनाने वाले विद्वान को भी मेरा निवेदन है अगर हम कोर्ट की भाषा कानून की भाषा हमारी गुजराती बने, मराठी बने, पंजाबी बने, बांग्ला बने, ये चाहते हैं तो कुछ शब्द को हमने स्वीकार कर इसको बृहद बनाना पड़ेगा और राजभाषा ने भी ये करना पड़ेगा। इसलिए इस शब्दकोश को हमने पूर्णतया डिजिटल और खोज परक बनाने का काम किया है। ये डिजिटल है और खोज परक भी है तो विभिन्न विषयों पर जनसंचार के विषय में, मेडिकल साइंस के विषय में, खेद कुल के विषय में, अंतरिक्ष विज्ञान के विषय में, भौतिकी रसायन और भूमिति के विषय में, गणित के विषय में ढेर सारी शब्दावली को इसके अंदर समाहित की है। कानून के भी कोर्ट की बोलचाल के बहुत सारे शब्दों को इसके अंदर हमने समाया है क्योंकि जब फैसलों का अनुवाद करने का समय आएगा फैसलों को राजभाषा में अनुवादित कर उसको देने का समय आएगा तब ऐसा न हो कि कोई शब्द मिले ही नहीं। इसको बहुत गहन मेहनत कर बनाया गया है। मैं हिंदी के विद्वानों को अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बृहद शब्दकोश को आपका आशीर्वाद भी मिले, समर्थन भी मिले और आप इसको जनता के बीच में बड़े उत्साह के साथ ले जाइए, इसका उपयोग भी बढ़ाइए, ये अनुरोध करने आया हूं। मित्रों, इसरो ने, मैं इसरो के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं क्योंकि इसरो की पूरी यश गाथा को काव्य गाथा के रूप में राजभाषा में प्रकाशित कर एक बहुत बड़ा काम इसरो ने किया है और इसरो की यश गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक काव्य गाथा एक जरिया बनने वाला है, इसका मुझे विश्वास है। कंठस्थ 2.0 इसका भी आज हमने विमोचन किया है। कंठस्थ 2.0 बोलने वाली हिंदी सिखाने का एक बहुत बड़ा साधन आने वाले दिन में बनेगा। राजभाषा विभाग ने सीडेक पुणे के सहयोग से मशीन साधित अनुवाद प्रणाली कंठस्थ तैयार की थी, इसका दूसरा प्रसंस्करण आज आप सबके सामने रखा है और मैं चाहता हूं कि हम इसी का भी प्रचार प्रसार करें। मैं खुद इसके लिए एक पूरी प्रचार की श्रृंखला भी बनने वाली है, मैं खुद इसको देख रहा हूं, परंतु देश भर के हिंदी भाषियों ने, देश भर के हिंदी प्रेमियों ने विशेषकर अपने बच्चों को हिंदी सिखाने के लिए एक कंठस्थ 2.0 प्रसंस्करण को बहुत लोकप्रिय बनाने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि सभी लोग इसके लिए हमें सहयोग करेंगे। मित्रों, हमारा देश भाषाई रूप से बहुत समृद्ध देश है, अनेक बोलियां हैं, अनेक भाषाएं हैं और होना चाहिए। हर भाषा अपने आप में एक समृद्ध भाषा है।
बहुत सारी भाषा तो इतनी समृद्ध है कि जिसकी विश्व में जोड़ नहीं है। इस प्रकार की भाषा की समृद्धि वाला देश है, मैं इसको हमारे देश का कोई त्रुटि नहीं मानता हूं। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को, हमारे साहित्य को इन भाषाओं ने संभाल कर रखा है और इस भाषाओं के माध्यम से हमारे देश के लोगों को, इस की जड़ों को इस देश के साथ जोड़ने का करें। आज एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कुछ लोग अपप्रचार कर रहे हैं कि हिंदी और गुजराती स्पर्धक है, हिंदी और तमिल स्पर्धक है, हिंदी और मराठी स्पर्धक है। हिंदी देश की कोई भाषा की स्पर्धक हो नहीं सकती, हिंदी देश की सभी भाषाओं की सखी है, ये बात आप मानकर चलिए। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, हिंदी के समृद्ध होने से इस देश की सारी भाषाएं समृद्ध होगी और इस देश की सारी भाषाओं के समृद्ध होने से हिंदी ही समृद्ध होती है। इस बात को सब लोगों ने स्वीकार करना चाहिए और सब लोगों ने समझना भी चाहिए। जहां तक भाषाओं के सह अस्तित्व को हम नहीं स्वीकार करते हैं, तब तक अपनी भाषाओं में अपना देश चले, वो सपना को हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं। और मैं बहुत मन से कहना चाहता हूं कि हर भाषा को, हर बोली को जिंदा रखना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हर भाषा को, हर बोली को समृद्ध करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए और ये सभी भाषाओं की समृद्धि से ही हिंदी समृद्ध हो सकती है। मैं आपको बहुत स्पष्टता से बताने, 2010 तक मैं गुजरात के राजनीतिक क्षेत्र का कार्य करता था। गुजरात तक मेरा क्षेत्र सीमित था, मैं राष्ट्रीय राजनीति में नहीं था। 11 से मैं राष्ट्रीय राजनीति के अंदर गया। मैं आज बहुत विश्वास के साथ और बहुत अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं, अगर मैं गुजराती माध्यम में न पढ़ा होता तो राजभाषा इतने अच्छी से बोल नहीं पाता। मुझे हिंदी सीखने में सरलता इसलिए रही है कि मेरी पढ़ाई लिखाई गुजराती माध्यम की स्कूल में हुई है, गुजराती माध्यम की शाला में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, इसी के कारण मैं हिंदी को इतनी जल्दी सीख पाया हूं। मेहनत तो करनी पड़ती है परंतु सीखने में बड़ी सरलता होती है। और मेरे पास दो ऑप्शन थे, हिंदी सीखना या अंग्रेजी सीखना। हमारे बहुत सारे नेताओं ने कहा कि इतनी मेहनत कर रहे हो तो स्पीकिंग इंग्लिश के लिए क्यों मेहनत नहीं कर रहे हो। मैंने कहा मैं बोलूंगा तो मेरी भाषा में ही बोलूंगा और मैं जो बोलूंगा वो मेरे काम के आधार पर पूरा देश सुनेगा। और मित्रों, मैं आपको मेरा अनुभव कहता हूं, अगर मैं राजभाषा न सीखा होता तो देश को मेरी बात में नहीं समझा सकता था। मेरे पार्टी के काम के लिए किसी भी देश राज्य में गया, मुझे अपनी बात समझाने में बहुत सरलता रही क्योंकि मैं हिंदी में बोलता था। अगर मैं अंग्रेजी में बोलता तो इतनी सरलता से न समझा पाता। हाँ, कुछ दिल्ली में बैठे हुए पंडित लुटियन में जो देश को भविष्य लिखते वो जरूर समझ जाते, मगर मैं वो पंडितों को भी कहना चाहता हूं, अब देश का भविष्य भी भारतीय भाषा में बोलने वाले लोग ही लिखने वाले हैं। मित्रों, मैं इसलिए कहना चाहता था कि मेरा खुद का अनुभव है और ये अनुभव, बहुत मजबूत अनुभव के आधार पर मैं निर्णय पर पहुंचा हूं कि स्वभाषा में जो बच्चा पढ़ता है वो राजभाषा सरलता से सीख लेता है और स्वभाषा और राजभाषा जो बोल लेता है उसको देश जल्दी समझता है। ये सारी चीजों को हमने संज्ञान में लेना चाहिए। हमारा आजादी का आंदोलन, अगर हमारे आजादी के नेताओं ने राजभाषा का उपयोग न किया होता, स्वभाषाओं का उपयोग न किया होता तो आजादी का आंदोलन इतनी जल्दी से कभी विस्तार न हुआ होता। उस समय के सारे नेताओं के आप भाषण सुनिए। मैंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कुछ भाषण सुने जो मेरी पार्टी के संस्थापक रहे, टूटी फूटी हिंदी बोलते थे मगर हिंदी बोलने में कभी श्यामा प्रसाद जी ने संकोच नहीं लगाया, धड़ल्ले से हिंदी बोलते थे, टूटी फूटी हिंदी थी मगर उसकी बात आज पूरा देश समझता है। हम जैसे कई कार्यकर्ता उसमें से सीख कर आगे बढ़े हैं। मित्रों, उस वक्त हमारे आजादी के आंदोलन के सारे नेताओं का मत था कि स्वदेशी भाषा
और स्वभाषा के अलावे स्वराज की कोई सार्थकता नहीं है, वो कई लोगों ने उद्घोषित किया था। विनोबा भावे और काका साहब कालेलकर जैसे लोगों ने अपना पूरा जीवन हिंदी और स्वभाषाओं पर नौछावर कर दिया था मित्रों, और मैं मानता हूं कि वो सही रास्ते पर थे। भाषा की समृद्धि वो संस्कृति का स्वतंत्रता का बीज है, ये वाक्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पहले सार्वजनिक गणेश उत्सव में कहा था कि भाषा की समृद्धि ये स्वतंत्रता का बीज है। अपनी भाषाओं पर बोलने के लिए बहुत डटकर हमने आगे बढ़ना चाहिए, वो उन्होंने कहा था। मित्रों, हिंदी हमेशा समावेशी भाषा रही। सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी हो या माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा हो, मैंने उसको मलयाली में भी पढ़ा है, जान नहीं पाया। मैंने पूछा क्या है, तुमने कहा माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा है। मैंने बोला यहां कौन लेकर आए कि अनुवाद हुआ है। मैंने उसको आसाम में भी पढ़ा है और मैंने उसको तमिलनाडु में भी सुना है, तमिल में सुना है। मित्रों, हिंदी समावेशी भाषा है। आगे हमें इसको, इस संदेश को हमने आगे बढ़ाना है। मित्रों, आप आजादी का इतिहास देखोगे तो अंग्रेजों को हमारी स्वभाषा और राजभाषा की कई कविताएं और कई साहित्य को बैन करना पड़ा था, उस पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। मुंशी प्रेमचंद के कहानी संग्रह को, साजे वतन को प्रतिबंधित करना पड़ा। और ऐतिहासिक रिकॉर्ड मैंने निकाला तो आश्चर्यजनक बात है, हिंदी की 264 कविताएं, उर्दू की 58 कविताएं, तमिल की 19 कविताएं, तेलुगु की 10 कविताएं, पंजाबी और गुजराती में 22 कविताएं, मराठी में 13 कविताएं, सिंधी भाषा में 9 कविताएं और उड़िया में 11 कविताएं, बांग्ला में 24 कविताएं और कन्नड़ में 1 कविता को प्रतिबंधित किया था। यही बताता है कि आजादी के आंदोलन को राजभाषा और स्वभाषाओं ने कितना बड़ा बल दिया था कि अंग्रेजों को ये भाषाओं के साहित्य को प्रतिबंधित करना पड़े था। मित्रों, अन्य भाषा भाषी जो हमारे नेता थे उन्होंने भी राजभाषा को बहुत महत्व दिया। महात्मा गांधी, बांग्ला भाषी आचार्य केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टागोर, सुभाष चंद्र बोस, मराठी भाषी लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, विनोबा भावे, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, पंजाबी भाषी लाला लजपत राय, तमिल भाषी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये सभी ने समय समय पर राजभाषा के महत्व को इंगित भी किया, उसका उद्घोष भी किया और उसको प्रसारित भी किया, क्योंकि वो सब जानते थे कि अगर हम देश की भाषा नहीं बदलते हैं तो देश का शासन बदलने का हमारी कल्पना जो है वो अधूरी रह जाएगी। मित्रों, अभी गुजरात के मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया, सत्यार्थ प्रकाश, जब स्वामी दयानंद सरस्वती को पूछा गया कि आप वेदों पर और बाकी सारे धर्मों पर इतनी बड़ी आपका विश्लेषण लिख रहे तो संस्कृत में क्यों लिख रहे हैं, हिंदी में क्यों लिख रहे हैं, उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ उल्लेख किया था कि वेदों को और मेरे सभी धर्मों पर के विश्लेषण को अगर मैं लोकभोग्य बनाना चाहता हूं तो केवल और केवल हिंदी के माध्यम से भी ही हो सकता है। और इसीलिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखने का काम किया था। मित्रों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो मैंने आगे कहा उसमें ढेर सारे प्रावधान स्वभाषाओं में करने वाला एक पूरी श्रृंखला मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने रखी हुई है। शिक्षा का माध्यम कम से कम 5वीं कक्षा तक और बन हो सके तो 8वीं कक्षा तक स्वभाषा में होना चाहिए। राजभाषा को समाहित करते हुए त्रिभाषा का सूत्र भी इसके अंदर दिया गया है। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और छपी हुई सारी सामग्री
स्वभाषा में होनी चाहिए। सांकेतिक भाषा का मानकीकरण किया गया है और 10 राज्यों के 20 इंजीनियरिंग कॉलेजों को अब तक इसके अभ्यासक्रम को भारतीय भाषाओं में बदलने की कार्यवाही लगभग पूरी हो चुकी है। हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, बंगाली और गुजराती अभी शुरू हुई। मेडिकल साइंस का पूरा अभ्यासक्रम, उसके पहले सेमेस्टर का पूरा अभ्यासक्रम मध्य प्रदेश सरकार ने हिंदी में अनुवादित कर दिया है और अगले शैक्षणिक सत्र से इसमें पढ़ाई लिखाई भी शुरू हो जाएगी। मित्रों, बहुत बड़ी बात है, हम क्वाटो की भाषा को भी स्वभाषा में क्वाटो को काम करे, न्यायालय हमारे काम करे, इस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। गांधी जी ने एक बार एक अंग्रेजी महिला पत्रकार को साक्षात्कार दिया, उसमें एक बात कही थी कि मुझे अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो मैं दो ही काम कर सकता हूं, एक तो जितनी मुझ में शक्ति है उतना सूत काटने का प्रयास करूंगा और बाकी के समय में राजभाषा को हिंदी को सीखने के और इसको समृद्ध बनाने का प्रयास करूंगा। बहुत सोच समझकर रोजगारी और स्वभाषा से देश का पुनर्निर्माण, ये दोनों संकल्पों को महात्मा गांधी ने आगे बढ़ाया है। मित्रों, ये भारत, इसकी अगर संधि को विद्वान देखेंगे तो भारत का रथ भाषाओं का रथ होता है, ये भाषाओं का रथ है। हमने हिंदी को साथ में रखकर हमारी स्वभाषाओं को भी मजबूत करना पड़ेगा। हमने विदेशी भाषा से उत्पन्न होने वाली विदेशी सोच की जगह स्वभाषा से उत्पन्न होने वाली स्वदेशी सोच और इसके आधार पर हमारे नीतियों को बनाना पड़ेगा, हमारे कार्यक्रमों को बनाना पड़ेगा और हमारे देश को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि मातृभाषा की उन्नति के बिना राजभाषा की प्रगति संभव नहीं है। हर मातृभाषा को मजबूत करते, हर स्थानीय भाषा को मजबूत करते हुए राजभाषा को ताकत देने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं सभी हिंदी प्रेमियों को इतना विश्वास दिलाता हूं कि गृह मंत्रालय में राजभाषा जो विभाग है वो पूरी तत्परता और तन्मयता के साथ हिंदी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। अनेक विध काम शुरू हो रहे हैं। कोरोना के कारण थोड़ी हमारी गति मंद रही, परंतु अब गति आ गई है। 2 साल के अंदर ही आप बहुत सारे नए नए प्रयोग भी देखेंगे, नए नए फैसले भी देखेंगे और स्वभाषा के साथ राजभाषा को मजबूत करने का जो हमारा स्वप्न है उसको हम पूरा होते देखेंगे। आज देश भर से हिंदी के बहुत सारे विद्वान यहाँ पर आए हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि संकोच रखे बगैर धड़ल्ले के साथ स्वभाषा के उपयोग को जोर से बोलिए, स्वीकृत हो इस तरह से बोलिए और दुनिया में विशेषकर युवाओं में इसको स्वीकार कराने का। जब तक भाषा की ये लघु ग्रंथि को हम छोड़ नहीं देते इस देश की क्षमता का उपयोग हो ही नहीं सकता। अंग्रेजी में इस देश के 6% से ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ते, उनके अंदर कोई क्षमता नहीं पड़ी है ऐसा नहीं है, मगर जब वो फर्राटे की अंग्रेजी नहीं बोलते हैं राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर उनको मंच नहीं मिलता है। अगर हम स्वभाषा और राजभाषा को वो बच्चों को एक मंच देने का माध्यम बनाते हैं तो देश की 100% क्षमता का उपयोग होगा। आप मानिए कि 6% क्षमता में आज देश यहां पहुंचा है। 100% क्षमता का जिस दिन उपयोग होगा इस दिन देश विश्व में होगा, विश्व में सर्वप्रथम होगा और महान भारत की रचना का हमारा स्वप्न भी पूरा होगा। यही मोदी जी का संकल्प से सिद्धि का जो कालखंड है, हमारा अमृत काल, इसमें आज के दिन लेने का संकल्प है। मेरी आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि हम इस अभियान को अब मुखर कर बोले, मुखर कर अभिव्यक्त करें और मुखर कर इसकी स्वीकृति लाने का प्रयास करें। यही अभ्यर्थना के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। भारत माता की, आप ही के शब्दों में वीर नर्मद की इस भूमि से चलिए कदम बढ़ाएं, वीर नर्मद की इस भूमि से चलिए कदम बढ़ाएं। स्वभाषण